वेलकम बैक जी। तो हम चल पड़े हैं सफ़र की तरफ। तो मैंने खाना वाना बना लिया था, वो शूट नहीं हो पाया, वो शायद पता नहीं कब होगा, डिस्टरबेंस की वजह से ना कर नहीं पाई थी। तो यहाँ पर बस सफ़र में थी मैं, और ये देखिए ट्रेन में आ गए और मैंने खाना वगैरह ना खा लिया था। तो बस पूरी रात का सफ़र रहेगा और नेक्स्ट डे दिखाएंगे आपको। बस ट्रेन चल रही है, ये देखिए बस बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ट्रेन का सफ़र है ना बहुत अच्छा रहता है। सुबह का टाइम है और यह देखिए बस अब हम पेस्ट वगैरह कर लिया है, चाय वगैरह पी ली है और बस ट्रेन जा रही है अपने सफ़र की तरफ। अभी बीच में ना ये आ गया है यहाँ पर नागपुर। यहाँ के ना संतरे कितने फेमस होते हैं ना। और जी बस इसके बाद हमने खाएंगे खाना। नागपुर का स्टेशन खाने में थे बहुत सारे आइटम और देखिए कितनी ग्रीनरी है ना। और यहाँ का ना मौसम एक अलग ही मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है। तो ये देखिए बस अब खाना वगैरह खाएंगे। खाने में हम लाए थे ये देखिए कितना सारा खाना है, रायता है, मीठा है, दो तीन तरीके का मीठा होगा था, पूरी, करेला, आलू की सब्ज़ी और जी अचार, मिठाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही। तो जी बस ऐसे ही है ना, अपनी डेट्स में देती रहूँगी। तो बस यहाँ पर हम खाने का एंजॉय करें। और ये देखिए ये है बलार शाह, मतलब नागपुर से बहुत आगे निकलता है ये बलार शाह, शाम को आएगा हैदराबाद। तो जैसा भी होगा थोड़ी थोड़ी सी अपडेट्स देती रहूँगी आप लोगों को। तो ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही सफ़र का आनंद लेते रहिएगा। तो मिलेंगे फिर से एक छोटे से या बड़े से नए ब्लॉग के साथ। तो अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो सबको जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, सभी को प्रणाम। तो जी बस चलती हैं हम अपनी जर्नी पर और जैसा भी होगा आपके साथ मैं अपडेट देती रहूँगी। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।